Dear students, assalamu alaikum. My name is Mevishina. Today I am going to talk about parts of a plant and their function. Plants are one of the most important thing on the earth. Podhe zameen ki ahem tareen cheez hain. Without plant, there would be no food to eat, no oxygen to breathe. पौधों के बगैर ना तो खाने के लिए खुराक हो और ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? देयर आर फाइव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक पौधे के पांच हिस्से होते हैं, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। As you know, plants have different parts and each part has different role to play. जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और हर हिस्सा मुख्तलिफ किरदार अदा करता है. Roots यानी जड़ें, पौधे का वो हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर होता है. इसका मेन काम ये होता है कि वो पौधे को जमीन के अंदर अपनी जगह होल्ड किए रखता है और दूसरा काम ये होता है कि जमीन से पानी और मिनरल्स को ऑब्जर्व करके ऊपर की तरफ स्टेम को देता है. स्टेम यानी तना प्लांट को सीधा रखता है और रूट से हासिल किए गए पानी और मिनरल्स को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है. लीव्स यानी पत्ते, लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं जिनके जरिए पौधा सांस लेता है. पत्ते पौधे का एक अहम हिस्सा होते हैं. पत्ते सनलाइट ऑब्जर्व करते हैं. पत्ते में मौजूद क्लोरोफिल के जरिए पत्ते पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं. फ्लावर यानी फूल, फल और बीज की तश्कील में फूल मदद करते हैं. आमतौर पर फल और बीज फूलों से आते हैं. फ्रूट्स यानी फल, कुछ पौधों पर फ्रूट्स होते हैं. फ्रूट्स पौधे का एक अहम हिस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं जिनसे एक नया पौधा उगता है. Functions of different parts of the plant. Roots absorb water and mineral from soil. Stem provides support to the plant. Leaves prepare food for the plant in the sunlight. Flower helps in reproduction. Fruit protect the seed. The two main basic parts of the plant are root and shoot. Root system yani jadi nizam, shoot system yani kompal ka nizam. The part of the plant that remain under the ground is known as root. Podhe ka wo hissa jo zameen ke andar hota hai use जड़ी निजाम कहते हैं. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट. पौधे का वो हिस्सा जो जमीन से ऊपर होता है उसे शूट यानी कोम्पल का निजाम कहते हैं. मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम टू एंकर द प्लांट इन द सॉयल, टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉयल. रूट सिस्टम का मेन फंक्शन ये होता है कि वो पौधे को ज़मीन के अंदर होल्ड किए रखता है और ज़मीन के अंदर से पानी और मिनरल्स को ऑब्जर्व यानी जज्ब करता है. मेन फंक्शन ऑफ शूट सिस्टम, इट प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. It carries out
प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। शूट सिस्टम यानी कॉम्पल के निज़ाम का मेन फंक्शन ये है कि ये फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान पौधे के लिए खाना यानी खुराक तैयार करता है। ये अफजाइशी नस्ल के अमल को भी अंजाम देता है। रूट्स ऑब्जर्व वाटर। प्लांट्स नीड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल अप टू द रूट्स टू स्टेम। जड़ें पानी जज्ब करती हैं। पौधों को मजबूत और सेहतमंद उगने के लिए मदनियात और गजाई अज्जा की ज़रूरत होती है। गजाई अज्जा और मदनियात जड़ों से तने तक सफ़र करती हैं। रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉयल। जड़ें पौधे को ज़मीन के अंदर होल्ड किए रखती हैं। रूट्स आल्सो होल्ड सॉयल पार्टिकल्स टुगेदर। जड़ें मट्टी के ज़रात को एक साथ रखती हैं। Different types of roots. There are mainly two kinds of roots. जड़ों की मुख्तलिफ इकसाम। बुनियादी तौर पर दो तरह की जड़ें हैं। Tap roots, fibrous roots. Now we will learn about tap roots. When a single thick main root grow below the stem is called tap root. जब तने के नीचे एक ही मोटी मेन जड़ उगती है तो इसे टैप रूट कहते हैं। टैप रूट्स स्टोर फूड इन देम एंड वी ईट दीज रूट्स। टैप रूट्स अपने अंदर खुराक ज़खीरा करती हैं और हम ये जड़ें खाते हैं। फॉर एग्जांपल, टर्निप, कैरेट, रेडिश। Now we will learn about fibrous roots. When a bunch of many thin and bushy roots grow below the stem, it is called fibrous roots. जब बहुत सी पतली और जंगली जड़ों का जत्था तने के नीचे बढ़ता है तो इसे fibrous roots कहते हैं। For example, grass, bamboo, maize, coconut. Now we will learn about shoot system. The shoot system includes organs such as leaves, buds, stem, flower, and roots, and usually it develops above the ground. Shoot system mein patte, kaliyon, tanon, phoolon aur phalon jaise aza shamil hote hain. Aam taur par ye zameen se upar badhta hai. Different parts of shoot system. Leaves, buds, flower, fruit, nodes, branches, stem. Stems. Central part of a plant is called stem. It holds the plant upright. पौधे के दरमियानी हिस्से को स्टेम कहते हैं। ये पौधे को सीधा रखता है। Trees have strong, hard, woody stem. It is called trunk. दरख्तों के सख्त और लकड़ी वाले स्टेम होते हैं जिन्हें ट्रंक कहते हैं। Do you know shrubs? Shrubs have brown and thick stem, but not as thick as trees. झाड़ियों के भूरे और घने तने होते हैं, लेकिन दरख्तों की तरह इनका तना मोटा नहीं होता। Leaves. Leaves prepare food for the plant with the help of sunlight. पत्ते
सूरज की मदद से पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं। लीव्स आर आल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। पत्तों को पौधे की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। यूजुअली लीव्स आर ग्रीन इन कलर। आमतौर पर पत्ते सब्ज रंग के होते हैं। द ग्रीन लीव्स बिकम येलो व्हेन दे डू नॉट गेट फूड। सब्ज पत्ते पीले पड़ जाते हैं जब उन्हें खुराक नहीं मिलती। फ्लावर्स यानी फूल। मोस्ट ऑफ द प्लांट बियर फ्लावर्स। बहुत से पौधों पर फूल लगे होते हैं। मोस्ट फ्लावर्स आर कलर्ड। बहुत से फूल रंग बिरंगे होते हैं। फ्लावर हेल्प इन फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फल और बीज की तश्कील में फूल मदद करते हैं। यूजुअली फ्रूट एंड सीड कम फ्रॉम द फ्लावर्स। आमतौर पर फल और बीज फूलों से आते हैं। फ्रूट्स आर यूज्ड एज फूड। फल खुराक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम। फलों के अंदर बीज होते हैं। सम फ्रूट्स हैव वन सीड लाइक मैंगो। कुछ फलों के अंदर एक बीज होता है जैसा कि आम। सम फ्रूट्स हैव मोर देन वन सीड लाइक ऑरेंज एप्पल। कुछ फलों के अंदर एक से ज्यादा बीज होते हैं जैसे माल्टा सेब। I would like to thank you for watching my video. Take care and Allah Hafiz. नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।